ICAR टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम हुआ था 28 फरवरी से 5 मार्च के बीच में, उसका आंसर की जारी कर दिया गया है, जिसे मैं डाउनलोड करने की प्रक्रिया आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ जो क्वेश्चन पेपर आपको एग्जाम में मिले हुए थे, वह क्वेश्चन पेपर भी आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, और आपने जो भी क्वेश्चन का आंसर दिया था वो भी आप चेक कर पाएंगे। तो आप यदि चाहते हैं ICAR टेक्नीशियन आंसर की डाउनलोड करना, तो आप सभी इस वीडियो में बने रहिए, मैं आप सभी को कंप्लीट प्रोसेस मोबाइल फोन के द्वारा बताने वाला हूँ। तो मेरा नाम है पिंटू कुमार शर्मा और आप सभी देख रहे हैं टेकोल स्मार्ट यूट्यूब चैनल। इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पोस्ट का लिंक दिया है, जहां पर क्लिक करेंगे तो आप इसे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद में सिंपली आपको पेज नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो आपका आंसर की होने वाला है, जो ऐसा आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल इसी प्रकार से होगा। तो इसे डाउनलोड करने के लिए सिंपली पेज नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे। यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा इंपॉर्टेंट लिंक्स का, और सिंपल से नीचे आइएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा ICAR टेक्नीशियन आंसर की 2022 लिंक, और इसके सामने जो क्लिक का लिंक बना हुआ है, सिंपल से आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, एक नया पेज कुछ इस प्रकार से ओपन होकर के आ जाएगा। इसके बाद में आपको इस प्रकार से पेज दिखाई देगा। तो सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको कैंडिडेट लॉगिन, यानी कि आपने जो अप्लाई करते हुए जो अपने यूजर आईडी आपको मिला था और जो पासवर्ड मिला था, उसे डाल लीजिए। और उसके बाद में जो कैप्चर दिखाई दे रहा है, उस कैप्चर को बॉक्स में फिल करके सिंपल से लॉगिन विकल्प पर क्लिक करेंगे। लॉगिन विकल्प पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपका पेज निकाल करके आ जाएगा। सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपका पर्सनल डिटेल्स रहेगा। देन यहाँ पर आने के बाद में आपको सिंपल से देखेंगे क्वेश्चन पेपर का विकल्प मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, फिर से आपको पेज नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा क्लिक हेयर का लिंक, जहाँ पर हेयर लिखा गया, सिंपल से आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका क्वेश्चन पेपर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। आपको सिंपल से इस क्वेश्चन पेपर को देख लेना है, और यहीं आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। अब जो यहाँ पर आपने जो टिक किया है, आपने चूज ऑप्शन जो किया था, एक यहाँ पर दिखा रहा है, और यहाँ पर जो आपका राइट साइन है, यानी कि वो सही आंसर है, और जो आपने यहाँ पर गलत किया होगा वो भी आपको दिखाएगा। जैसे यहाँ पर इसका जो यहाँ पर चूज किया गया ऑप्शन में, जिन्होंने भी एग्जाम दिया है, तो चूज किया है 2 नंबर ऑप्शन, और जबकि इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। तो कुछ इस प्रकार से जो आप इसे मिला लीजिएगा, जिससे यह आपका आंकड़ा हो जाएगा कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हुआ है या फिर नहीं हुआ है, इससे आप एक उम्मीद लगा सकते हैं। देन इसे डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको ऊपर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको मिलेगा प्रिंट का विकल्प, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको सेव एज PDF में सेव कर लेना है। बाद में जो PDF जो बना हुआ है, सिंपल से आप इस पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद में इसके बाद आपको सिंपल सेव विकल्प पर क्लिक कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से जो है, आप अपनी ICAR IERA टेक्नीशियन का यहाँ पर जो आंसर की जारी किया गया है, उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, वह देख भी सकते हैं। उम्मीद करूँगा जो भी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दिया है, वह अब आपको समझ में आ चुका होगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो साथ एक नेक्स्ट वीडियो में।